नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ ट्वीट करने वाली अभिनेत्री मोना अंबेगांवकर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, तो कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने आरोप लगाया है कि नगर निगम ने पिछले 5 सालों में मुंबई की सड़कों के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, इसमें हुए भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराई जाए। वही 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में एक और गवाह मुकर गया है। विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अदालत को इस बात की जानकारी दी। तो उधर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि आरे कॉलोनी में कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। कोर्ट ने मुंबई मेट्रो से कहा कि वो इस बात का सख्ती से पालन करे। इसी बीच अहमदनगर पुणे हाईवे पर तेजी से रोड एक्सीडेंट के मामले में बढ़ोतरी हुई है। इन हादसों के पीछे की वजह हाईवे पर कई जगह चल रहे काम को बताया जा रहा है। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने विनायक दामोदर सावकार के खिलाफ ट्वीट करने वाली अभिनेत्री मोना अंबेगांवकर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इसके लिए गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को एक पत्र लिखा है। शेवाले ने गृह राज्य मंत्री से इस विवादित ट्वीट को हटाने के लिए संबंधित एजेंसियों को आदेश देने का भी अनुरोध किया है। शेवाले ने कहा कि मैं अपना ध्यान 22 अगस्त 2022 को शाम 6:47 मोना अंबेगांवकर द्वारा वीर विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ किए गए ट्वीट की और आकर्षित करना चाहता हूँ। यह ट्वीट बहुत ही विवादास्पद प्रकृति का है और इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। मेरे विचार में इससे कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। यह उस महान स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ एक दुर्भावना है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसलिए मैं इस ट्वीट की कड़ी निंदा करता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया ट्वीट पर संज्ञान ले और संबंधित एजेंसी को सोशल मीडिया से इसे तुरंत हटाने का आदेश दे। मैं आपसे भी यह अनुरोध करता हूँ कि इस तरह का फर्जी ट्वीट करने के लिए मोना अंबेगांवकर के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दे। अंबेगांवकर ने ट्वीट किया था कि सावकार की पहली रजा 1908 में मार्गरेट लॉरेंस के बलात्कार के प्रयास के लिए थी। उन्होंने अपराध कबूल कर लिया और 4 महीने जेल की सजा सुनाई गई। बता दें कि एक्ट्रेस के ट्वीट को अब डिलीट कर दिया गया है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने आरोप लगाया है कि नगर निगम ने पिछले 5 सालों में मुंबई की सड़कों के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने मांग की मुंबई के साथ किए गए भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराई जाए। बीजेपी के बाद अब महा विकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस ने भी मुंबई में सड़कों के मुद्दे पर शिवसेना पर प्रक्षुब्ध रूप से निशाना साधा है। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट कर कहा कि मुंबई नगर निगम ने 2017 से 2022 तक 5 साल में सड़कों के लिए करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह राशि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बजट का लगभग 10% है। हालांकि हर साल मुंबईकरों को सड़क के गड्ढों की समस्या का सामना करना पड़ता है। मुंबई को यह जानने का हक है कि देश की सबसे अमीर नगरपालिका कौन लूट रहा है। देवड़ा ने भ्रष्टाचार की श्रृंखला की सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या महाराष्ट्र सरकार के पास सीबीआई की जांच करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति है, इसकी कीमत कितनी होती है। मिलिंद देवड़ा ने अपने ट्वीट में मुंबई में हर साल सड़कों पर खर्च होने वाले फंड के आंकड़े जारी किए हैं। कुल मिलकर मिलिंद देवड़ा आगामी मुंबई महानगरपालिका चुनाव से पहले फिर से सक्रिय होते दिख रहे हैं। यह बता दें कि पिछली सरकार ने मुंबई नगर निगम के वार्ड का पुनर्गठन किया था। इस पुनर्गठन से कांग्रेस नाराज थी। वार्ड पुनर्गठन में कई मौजूदा कांग्रेस पार्षद प्रभावित हो रहे थे। इस पर कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ मिलिंद देवड़ा ने भी आपत्ति जताई थी। 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में एक और गवाह मुकर गया है। इस मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अदालत को इस बात की जानकारी दी। जो ताज़ा गवाह अपनी गवाही से मुकरा है उसके बारे में कहा जाता है कि वह 2006-2007 में कुछ समय के लिए आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी का मकान मालिक था। गवाह ने इस बात से इनकार कर दिया है कि उसने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को कोई बयान नहीं दिया था। इस मामले में यह 24वां गवाह है जो मुकर गया है। इनमें से कुछ गवाहों ने महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते को अपने बयान दिए हैं। एटीएस शुरू में इस मामले की जांच कर रही थी। वही कुछ गवाहों ने वर्तमान जांच एजेंसी एनआईए को भी अपने बयान दिए थे,
लेकिन अब वे मुकर गए हैं। इससे पहले मार्च में मामले का एक और गवाह मुकर गया था। गवाह एक पूर्व सैन्य अधिकारी था। गवाह ने कोर्ट में मौजूद लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को छोड़कर किसी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। मालेगांव विस्फोट मामला 2008 का है। मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल से बंधे एक विस्फोटक के फटने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। 100 से अधिक घायल हो गए थे। मामले में सभी 7 आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर है। भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, समीर कुलकर्णी, सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय रहीहल और सुधाकर चतुर्वेदी मामले के अन्य आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति दिखाते हुए कहा कि आरे कॉलोनी में कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। कोर्ट ने मुंबई मेट्रो से कहा कि वह इस बात का सख्ती से पालन करे। शीघ्र अदालत ने मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह मुंबई की आरे कॉलोनी में कोई पेड़ नहीं काटे जाने के अपने वचन का सख्ती से पालन करे और चेतावनी दी कि किसी भी तरह उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि वह 30 अगस्त को मामले की सुनवाई करेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार के वकील ने दस्तावेजों को जुटाने के लिए समय मांगा था। पीठ में न्यायमूर्ति एसआर भट्ट और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि एमएमआरसीएल के वकील का कहना है, मुवक्किलों ने पहले ही एक हलफनामा दायर किया है कि किसी भी तरह से कोई पेड़ नहीं काटा गया है या नहीं काटा जाएगा। एमएमआरसीएल निदेशक द्वारा उक्त हलफनामे को पहले ही रिकॉर्ड में ले लिया गया है और एमएमआरसीएल इसका सख्ती से पालन करने के लिए बाध्य है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अनिता शेनॉय ने आरोप लगाया कि शीघ्र अदालत के आदेश के बावजूद पेड़ काटने और जमीन समलत करने का काम जारी है। एमएमआरसीएल ने पहले उच्चतम न्यायालय को बताया था कि अक्टूबर 2019 के बाद मुंबई की आरे कॉलोनी में कोई पेड़ नहीं काटा गया है। महाराष्ट्र में सड़क हादसों की खबरें लगातार सामने आ रही है। अहमदनगर पुणे हाईवे पर तेजी से रोड एक्सीडेंट के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। दरअसल इन हादसों के पीछे की वजह हाईवे पर कई जगह चल रहे कामकाज को बताया जा रहा है। नागरिकों का कहना है कि नगर से वाड़ेगवा के बीच बड़े मोड़, नोटिस बोर्ड के अभाव और कई जगह डिवाइडर टूटने के कारण ये हादसे हो रहे हैं। एक महीने के भीतर 23 लोगों की मौत हुई है। मनसे के तहसील के उपाध्यक्ष अविनाश पवार ने आरोप लगाया है कि इस सड़क पर हुए हादसे के लिए सुपा का टोल बूथ जिम्मेदार है। साथ ही इस हादसे के लिए लोक निर्माण विभाग के खिलाफ मामला दर्ज कराने की भी मांग उन्होंने की है। मनसे ने चेतावनी दी कि मृतक परिजन की जिम्मेदारी टोल प्रशासन ले, नहीं तो हम चैन से नहीं बैठेंगे। दरअसल सड़क पर टूटा डिवाइडर, स्पीड लिमिटर नहीं, नोटिस बोर्ड नहीं, सर्विस रोड नहीं, हेल्पलाइन नंबर और एम्बुलेंस नहीं, फुल साइड लेन नहीं, लाइट कटर नहीं, सड़क पर स्ट्रीट लाइट नहीं, क्रेन की सुविधा न होने के कारण नेशनल हाईवे पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। यही कारण है कि हाल के दिनों में यहां सड़क हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई है। सड़क हादसों को लेकर पिछले कुछ दिनों से नागरिक लगातार आवाज उठा रहे हैं। हादसों के लिए लोक निर्माण विभाग और चेतक एंटरप्राइजेस को नागरिकों ने जिम्मेदार ठहराया है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो रातों रात दोषियों को छोड़ने का फैसला हो गया, तो तेजस्वी यादव ने कल बिहार विधानसभा में कहा कि उनके पापा बेहतरीन रेल मंत्री रहे हैं। उनके कार्यकाल में रेलवे ने 90,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। वहीं हैदराबाद में बीजेपी विधायक राजा सिंह प्रकरण में पुलिस हिरासत से 5 युवकों को छुड़वाने के मामले में विवाद शुरू हो गया है। तो उधर संकेत दिए गए हैं कि यदि गडकरी पार्टी का मोड़ नहीं भाग पाए तो आगे और कार्रवाई हो सकती है। इसी बीच सियासी घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अचानक सुर्खियों में आ गई है। बीजेपी के गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि झारखंड में भाभी जी के ताजपोशी की तैयारी चल रही है। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो रातों रात दोषियों को छोड़ने का फैसला हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर दोषियों को प्रतिवादी बनाने को कहा और राज्य और अन्य को नोटिस जारी किया। बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बिल्किस बानो के गुनहगारों को रिहा करके गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया था। इस याचिका को सीपीएम नेता सुभाषिनी अली, लेखिका रेवती लाल और मानवाधिकार कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा ने दाखिल किया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है,
इस पूरे मामले की जांच सीबीआई ने की थी, इसलिए गुजरात सरकार दोषियों को सजा में छूट का एक तरफा फैसला नहीं कर सकती। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 435 के तहत राज्य सरकार के लिए इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से सलाह लेना अनिवार्य है। 2008 में सीबीआई की विशेष अदालत ने 13 में से 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सभी 11 दोषी अब रिहा हो चुके हैं, क्योंकि गुजरात सरकार ने कैद के दौरान उनके अच्छे चाल चलन के आधार पर यह फैसला लिया। दोषी बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार और परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में 15 साल से जेल में थे। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से चर्चा में। दरअसल उनके बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कल बिहार विधानसभा में उनका जिक्र किया। तेजस्वी ने कहा कि उनके पापा बेहतरीन रेल मंत्री रहे हैं। उनके कार्यकाल में रेलवे ने 90 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। याद रहे, रेल मंत्रालय के अधिकारी उस समय बताते थे कि इसे मुनाफा नहीं कहना चाहिए बल्कि सरप्लस कहना चाहिए। जब उन्होंने 13 फरवरी 2009 को अपना अंतिम रेल बजट पेश किया था, तब भी इसका जिक्र हुआ था। दरअसल साल 2009 चुनावी साल था, इसलिए उन्होंने इस साल अंतरिम रेल बजट पेश किया था। इसी बजट में उन्होंने कहा था कि उनके कार्यकाल में रेलवे का कायाकल्प हुआ। इस दौरान रेलवे ने 90 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। इसका जवाब उनके बाद रेल मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाली तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने साल 2009 में ही दिया था। उन्होंने रेलवे के पिछले 5 साल के काम पर संसद में श्वेत पत्र प्रस्तुत किया था। इसमें बताया गया था कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान रेलवे का मुनाफा सामान्य से भी कम था। दिलचस्प बात यह है कि जिस समय ममता बनर्जी इस रिपोर्ट को संसद में रख रही थी, उस समय पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव भी संसद में मौजूद थे। स्टेटस पेपर के मुताबिक लालू के शासन के दौरान दस्तावेजों और खातों में आंकड़ों में हेर फेर कर लाभ के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया। इससे रेलवे की वित्तीय स्थिति अच्छी दिखी थी। हैदराबाद में बीजेपी विधायक राजा सिंह की पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं पुलिस हिरासत से 5 युवकों को छुड़वाने के मामले में विवाद शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि औसवी ने अपने प्रभाव का प्रयोग करके 5 युवकों को हिरासत से छुड़वाया, जिन्होंने पत्थरबाजी की थी और सिर तन से जुदा नारे लगाने वाली भीड़ में शामिल थे। हैदराबाद में कल बुधवार को कुछ स्थानों पर विरोध हिंसक हो गया। सड़कों पर टायर जलाए, तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शनकारी काले झंडे लेकर और नारेबाजी करते हुए ऐतिहासिक चरमिनार, मदीना सर्कल, बरकास, चंद्रयान गुट्टा, चंचलगुड़ा, सिटी कॉलेज, अफजल जंग और अन्य इलाकों में जमा हो गए। पुलिस ने 100 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया। देर रात औसवी ने उन्हें छुड़वा लिया। बाहर आए युवकों में से एक ने फोन पर औसवी से बात की। इस दौरान उसने औसवी को धन्यवाद दिया। वीडियो में दिख रहा है कि युवक से औसवी कह रहे हैं कि लतीफ इर्फ एहतेशाम भी है, बुरा हुआ मुजफ्फर पार्षद को भेजा था। युवक कहता है, हाँ वह आए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी कहते हैं, घर जाओ, अब सब परेशान होंगे, घर पर जाकर आराम कीजिए। AIMIM विधायक अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और हमारे नगर सेवक काम कर रहे हैं, मैं उनके संपर्क में रहा हूँ। भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पार्टी के संसदीय बोर्ड से हटाने का आश्चर्यजनक फैसला अभी सभी के गले नहीं उतर रहा है। भाजपा सूत्रों के अनुसार संघ ने नितिन गडकरी को उनकी ऐसी टिप्पणी को लेकर आगाह किया था जो उन्हें सुर्खियों में लाती थी। संकेत दिए गए हैं कि यदि गडकरी पार्टी का मूड नहीं भांप पाए तो आगे और कार्रवाई हो सकती है। कहा जा रहा है कि भाजपा और संघ नेतृत्व दोनों इस बात से सहमत थे कि किसी भी नेता का कद कितना भी बड़ा हो, उसे पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयान देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पार्टी के सूत्र ने नाम न छपाने का अनुरोध करते हुए कहा, यह केवल सार्वजनिक रूप से उनके बयान ही नहीं है, वह अक्सर निजी तौर पर भी पार्टी लाइन से बाहर हो जाते थे, जिससे सरकार और पार्टियों को असुविधा होती थी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि नितिन गडकरी की ओर से जो बयान दिए गए उसको लेकर ऐसा न करने की सलाह उनको दी गई, लेकिन उसके बावजूद वह इस तरह की टिप्पणी करते थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में यह कहकर सुर्खियां बटोरी थी कि कभी कभी मन करता है कि राजनीति छोड़ दूं। महात्मा गांधी के समय में राजनीति देश और समाज के विकास के लिए की जाती थी,
लेकिन अब समय बदल गया है, अब राजनीति सत्ता में बने रहने के लिए की जाती है। नितिन गडकरी की ओर से जैसे ही यह कहा गया उसके फौरन बाद ही विपक्षी दलों की ओर से उनके इस बयान का स्वागत किया गया। खनन लीज घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी जाना तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने उनकी विधायकी रद्द कर दी है। आयोग ने उनके खिलाफ दी गई याचिका पर सभी पक्षकारों को सुनने के बाद निर्णय लिया। राज्यपाल को इस संबंध में चिट्ठी भेजी जा चुकी है। आधिकारिक ऐलान कुछ देर में होगा। तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अचानक सुर्खियों में आ गई है। बीजेपी के गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों ट्वीट कर यह जानकारी दी थी कि झारखंड में भाभी जी के ताजपोशी की तैयारी चल रही है। इसके बाद राजनीतिक हलाकों में इस बात की चर्चा तेजी से हो गई थी। सीएम हेमंत सोरेन 25 साल बाद बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की तरह ही इतिहास को दोहराना चाहते हैं। तब लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री पद से छोड़ने के पहले अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया था। अब उसी रास्ते सीएम हेमंत सोरेन के भी चलने की बात कही जा रही है। वही सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की बात की जाए तो अब तक वह सक्रिय राजनीति से दूर ही रही है। हालांकि कई सामाजिक कार्यकर्ता और पारिवारिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। कल्पना सोरेन विशेषकर महिलाओं और बच्चों से संबंधित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रही है और अब तक सक्रिय राजनीति में आने की बात से इनकार करती रही है। ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली कल्पना सोरेन की हेमंत सोरेन से 7 फरवरी 2006 को शादी हुई थी। इनके दो बच्चे निखिल और अंश है। 1976 में जन्मी कल्पना सोरेन राजनीति से दूर अभी कई व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल है। यूक्रेन के 31वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मध्य निप्रोपेटोस्क क्षेत्र में चैपलिन ट्रेन स्टेशन पर रूसी गोलाबारी में कम से कम 22 लोग मारे गए हैं तो पाकिस्तान ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह की निंदा की है। वहीं हंगरी में मौसम विभाग के 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन अधिकारियों की गलती ये थी कि उनके मौसम को लेकर लगाए गए अनुमान गलत निकल गए। तो उधर जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा कि देश में परमाणु ऊर्जा को लेकर नीति में बदलाव किया जा सकता है। इसी बीच थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा को निलंबित कर दिया है। अदालत ने यह फैसला उनके खिलाफ चल रहे एक मामले की सुनवाई के दौरान किया। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूक्रेन के 31वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मध्य निप्रोपेटोस क्षेत्र में चैम्पलिन ट्रेन स्टेशन पर रूसी गोलीबारी में कम से कम 22 लोग मारे गए हैं। यह जानकारी राष्ट्रपति वलेडिमीर जेलेंस्की ने राष्ट्र के नाम दिए अपने संबोधन भाषण में दी। मृतकों में से 5 के शव रेलवे ट्रैक से बरामद किए गए। तलाशी और बचाव अभियान जारी है। 50 से अधिक लोग घायल है। हालांकि इस बारे में ब्यूरो को सत्यापित नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के हवाले से कहा गया है, चैपलिन रेलवे स्टेशन पर यह हमला बुधवार रात को हुआ। हमारा मुख्य दिन यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस खत्म हो रहा है, लेकिन हमारी स्वतंत्रता खत्म नहीं हुई है और न ही कभी खत्म होगी। युद्ध के दौरान ट्रेन स्टेशनों और रेल बुनियादी ढांचे को बार बार प्रभावित किया गया है। याद रहे अप्रैल में भी पूर्वी डोनबास क्षेत्र में क्रामाटोस्क स्टेशन पर हुए हमले में कम से कम 57 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार रूसी गोलीबारी में एक 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मंगलवार को जेलेंस्की ने नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस पर रूस द्वारा बड़े पैमाने पर गोलीबारी और संभावित उकसावे के खिलाफ चेतावनी दी थी। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन को करीब $3 अरब की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की है, जो अब तक सबसे बड़ी हथियार सहायता है। इसमें अतिरिक्त युद्ध सामग्री भी शामिल है। पाकिस्तान ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह की निंदा की है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भारत सरकार से भाजपा नेताओं द्वारा मुसलमानों को आहत करने वाली ऐसी बार बार की आपत्तिजनक टिप्पणियों को रोकने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने की मांग की है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि बीते 3 महीने यह दूसरी बार है जब भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई है। इन अति अपमानजनक टिप्पणियों से पाकिस्तान के लोगों समेत पूरी दुनिया के करोड़ों मुस्लिमों की भावनाएं गंभीर रूप से आहत हुई है। भाजपा द्वारा की गई प्रतीकात्मक और हल्की अनुशासनात्मक कार्रवाई भारत और पूरी दुनिया के मुसलमानों की पीड़ा और आक्रोश शांत नहीं कर सकती। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने कहा है कि यह बेहद निंदनीय है।
कि सिंह को कुछ घंटों के भीतर ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। अपनी कट्टर धार्मिक बयानबाजी के लिए जाने जाने वाले टी राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने मंगलवार को पैगंबर पर उनकी कथित टिप्पणी को लेकर गिरफ्तार किया था। इसके बाद भाजपा ने पार्टी संविधान का उल्लंघन करने का आरोप भी सिंह को निलंबित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। हैदराबाद की गोशामहल सीट से विधायक टी राजा को तेलंगाना में बीजेपी का फायर ब्रांड नेता माना जाता है। हंगरी में मौसम विभाग के दो अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन अधिकारियों की गलती ये थी कि उनके मौसम को लेकर लगाए गए अनुमान गलत निकल गए। दरअसल सरकार की नेशनल हॉलीडे के मौके पर आतिशबाजी करने की योजना थी। हॉलीडे खराब मौसम के अनुमान की वजह से उसे स्थगित करना पड़ा। मौसम वैज्ञानिकों ने नेशनल हॉलीडे के मौके पर बुडापेस्ट में भारी तूफान का अनुमान लगाया था, लेकिन मौसम खामोश रह गया और तूफान नहीं आया। इसके बाद हंगरी सरकार ने नेशनल पेट्रोलॉजिकल सर्विस के हेड और उनकी डिप्टी को सस्पेंड कर दिया। हॉलीडे पर हर साल की तरह आतिशबाजी की योजना थी। 5 किलोमीटर क्षेत्र में 240 पॉइंट से 40,000 पटाखे लॉन्च किए जाने के लिए तैयार, लेकिन मौसम के अनुमान की वजह से इसे आखिरी समय में रद्द करना पड़ा था। NMS ने राजधानी बुडापेस्ट में तेज गर्म और तूफानी हवा के झोंकों की भविष्यवाणी की थी। इसके बाद NMS ने इसे प्राकृति की अनिश्चितता बताते हुए माफी भी मांगी थी। हालांकि शो रद्द किए जाने के बाद भी इसे इस हफ्ते के लिए रिशेड्यूल किया गया था। मौसम के गलत अनुमानों पर सरकार समर्थित मीडिया ने मौसम विभाग की आलोचना की और कहा कि नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज ने मौसम की गलत जानकारी दी। ऐसे में NMS ने सुरक्षा के लिए तत्पर ऑपरेशन टीमों को भी गुमराह करने का काम किया है। बता दें कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में प्रत्येक साल 20 अगस्त को सेंट स्टीफन्स डे के मौके पर फायरवर्क्स शो आयोजित किया जाता है। इस दिन को हजारों साल पहले ईसाई हंगरी के आजाद होने की याद में मनाया जाता है, जो आज भी बरकरार है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा कि जापान यूक्रेन युद्ध संकट से जुड़ी बढ़ती आयातित ऊर्जा लागत से निपटने के लिए देश के परमाणु ऊर्जा उद्योग को पुनर्जीवित करेगा। 2011 के फुकुशिमा आपदा के बाद सुरक्षा संबंधी आशंकाओं के कारण कई परमाणु रिएक्टरों को निलंबित करने के बाद इस तरह का कदम विवादास्पद साबित हो सकता है। किशिदा ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध और बढ़ती ऊर्जा लागत ने जनता की राय को बदल दिया है। कई देशों की तरह जापान को 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखता है, अपनी ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव का सामना कर रहा है। ऐसे में एक दशक बाद देश में परमाणु ऊर्जा को लेकर नीति में बदलाव किया जा सकता है। बता दें कि फुकुशिमा परमाणु संयंत्र आपदा के बाद जापान में परमाणु विरोधी भावना और सुरक्षा चिंताओं में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले बाद ऊर्जा की किल्लत और ग्रीन हाउस गैसों से उत्सर्जन को कम करने के वैश्विक दबाव के बीच सरकार परमाणु ऊर्जा की वापसी पर जोर दे रही है। फुकुशिमा आपदा से पहले जापान की बिजली उत्पादन का एक तिहाई परमाणु स्रोत्र से आता था, लेकिन 2020 तक यह आंकड़ा 5% से भी कम हो गया। पीएम किशिदा ने एक ऊर्जा नीति बैठक में कहा कि रूस के यूक्रेन पर आक्रमण ने दुनिया के ऊर्जा परिदृश्य को काफी हद तक बदल दिया है और इसलिए जापान को संभावित संकट परिदृश्य को ध्यान में रखना चाहिए। जापान को अगली पीढ़ी के परमाणु रिएक्टरों के निर्माण पर विचार करना चाहिए। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा को निलंबित कर दिया है। अदालत ने यह फैसला उनके खिलाफ चल रहे एक मामले की सुनवाई के दौरान किया। विपक्षी पार्टी ने उनके कार्यकाल का मुद्दा उठाया था। विपक्ष का कहना था कि पीएम प्रयुक्त के कार्यकाल को 8 अगस्त पूरे हो चुके हैं। इसी मामले में सुनवाई चल रही थी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने पीएम के 60 साल के कार्यकाल की अवधि की समीक्षा का फैसला किया। खबर के मुताबिक अदालत ने मीडिया को भेजे एक बयान में अपनी बात कही। फिलहाल अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कोर्ट मुख्य विपक्षी दल द्वारा दायर याचिका पर अंतिम फैसला कब सुनाएगी। याचिका में कहा गया है कि सैन्य जुंटों के प्रमुख के रूप में उनके कार्यकाल को संवैधानिक रूप से निर्धारित पीएम के 8 साल के कार्यकाल के रूप में गिना जाना चाहिए। प्रयुक्त के स्थान पर डिप्टी पीएम प्रवित वोंगसुवान अंतरिम पीएम के रूप में पदभार संभाल सकते हैं। पूर्व सेना प्रमुख प्रयुत ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ बगावत करते हुए 2014 में सत्ता संभाली थी। इसके बाद 2019 में हुए चुनाव में प्रधानमंत्री चुने गए थे।
ये चुनाव तत्कालीन सैन्य सरकार द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप के अनुसार हुए थे। थाईलैंड की मुख्य विपक्षी पार्टी ने संविधानिक कोड में पीएम के अनिवार्य 8 साल के कार्यकाल की सीमा की समीक्षा के लिए याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि पीएम प्रयुक्त को इस माह के अंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जुंटो प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल मौजूदा कार्यकाल में जोड़ा जाना चाहिए। तो बीकेबी न्यूज के आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।